हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल डिजाइन। गाइस, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं स्ट्रेच कमांड के बारे में फुल डिटेल में। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिससे कि कोई भी डिटेल आपसे मिस ना हो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले आप यहाँ पे जाएंगे, आपको स्ट्रेच कमांड मिलेगा। यहाँ से आप अगर मॉडिफाई में जाएंगे तो मॉडिफाई में आपको डायरेक्ट यहाँ पे स्ट्रेच कमांड देखने को मिलेगा। और गाइस, तीसरा इसका शॉर्टकट की है एस टी आर करेंगे। एस टी के लिए स्टाइल आता है, एस टी आर करेंगे तो ये स्ट्रेच आ जाएगा। तो गाइस स्ट्रेच एंटर कर देंगे। अब स्ट्रेच को यूज कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, तो इसका अगर ये वाला हिस्सा हमें स्ट्रेच करना है, बढ़ाना है, तो इतना ही हम सिलेक्ट करेंगे। ये आपको पूरा सिलेक्ट दिखेगा, लेकिन जो आपका स्ट्रेच इतना ही हिस्सा होगा, एंटर कर देंगे। देन यहाँ पे क्लिक करके इधर हमें जितना बढ़ाना होगा यहाँ पे हम इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। जहाँ तक बैक में जितना स्ट्रेच करना होगा बैक में इधर कर सकते हैं गाइस। तो ये वाला जो हिस्सा है हमें इतना हमें स्ट्रेच करना, तो इतना इस हिसाब से आपको स्ट्रेच हो जाता है। अगर फॉर एग्जांपल हमें ये वाला हिस्सा यहीं पे रोकना है, ये वाला और इतना स्ट्रेच करना है आगे या पीछे को करना है, तो हम उतना ही सिलेक्ट करेंगे। अब जैसे हमने स्ट्रेच कमांड यहाँ से डायरेक्ट ले लिया और यहाँ से इसको इतना सिलेक्ट करते हैं, देन एंटर। तो हमें यहाँ से इसको आगे या पीछे करना है तो उससे इतना स्ट्रेच हो जाएगा। अदरवाइज अगर हम इतना इस वाले को अब इधर काम करके आपको दिखाते हैं, तो हमने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, देन पूरा सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा आगे या पीछे पूरा जाएगा इस तरह से। पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से, आप देख सकते हैं ये पूरा हो गया, देन एंटर। तो गाइस आई थिंक आपको इसके बारे में समझ में आया होगा। इससे अधिक अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट अगर आपको स्ट्रेच करने हो तो एस टी आर एंटर, देन सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर। अब ये एक तरह का गाइस कॉपी हो गया है, क्योंकि हमें पूरा स्ट्रेच करना है, तो ये इस तरह से हो गया पूरा स्ट्रेच होके कॉपी वहां से होके यानी मूव हो गया से गाइस। तो दूसरा हमें ऑब्जेक्ट अगर चाहिए तो कॉपी यहाँ से कर लेंगे, और मल्टीपल ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से हम आपको मूव करके दिखाएंगे। तो जैसे गाइस हमें इसका ये वाला और इसका ये वाला फेस एक साथ में स्ट्रेच करना है, तो जाएंगे स्ट्रेच कमांड पे, देन सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, देन सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर। अब गाइस एक जगह पकड़ के हम जिधर भी करेंगे तो दोनों ऑब्जेक्ट हमारे इंक्रीज होंगे। अब जैसे इधर यहाँ पे करेंगे इस तरह से हमारे दोनों ऑब्जेक्ट आपके स्ट्रेच होंगे। तो गाइस आप इस तरह से मल्टीपल ऑब्जेक्ट वन टाइम में एक बार में ही स्ट्रेच कर सकते हैं। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपके पास पहुंचे और वीडियो वॉच कर सकें। थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।